बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुहर्रम शरीफ में किसके नाम से फातिहा करते हैं? मुहर्रम की फातिहा का तरीका क्या है? प्यारे दोस्तों, मुहर्रम शरीफ में हम खासकर शहदाए करबला, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इसी तरह अहले बैत के जो अफराद हैं जो करबला में शहीद हुए हैं, उन सब के नाम से हम फातिहा करते हैं, इसाले सवाब करते हैं। इसके अलावा अपने घर के मरहूमीन के लिए भी इसाले सवाब करते हैं। असल मसला यह है कि जब आप इसाले सवाब करें तो इसका सवाब सब मोमिनीन के लिए आम कर दें, किसी ख़ास को बाद में कर दें, लेकिन सब मोमिनीन को आम कर दें। अभी हम आपको तरीका बताएंगे। मुहर्रम की फातिहा का कोई अलग तरीका नहीं है, इसकी फातिहा का तरीका वही है जो हम आम दिनों में करते हैं, कि एक बार सूरह काफिरून पढ़ लें, तीन बार सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाह पढ़ लें, एक मरतबा सूरह फलक पढ़ लें, एक मरतबा सूरह नास पढ़ लें, एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लें, फिर बिस्मिल्लाह के बाद अलिफ लाम मीम पढ़ें, वुमुल मुफ्लिहून तक पढ़ें। इसके अलावा और कुछ भी कुरान पाक की सूरतें पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें। इसके बाद अल्लाह ने आपको जो तौफीक दी है, मिठाई हो, खाना वगैरह जो कुछ भी बनाए हो, उसको भी रख लें और दुआ करें, ऐ अल्लाह जो कुछ भी कुरान मुकद्दस की तिलावत की है, दरूद शरीफ पढ़े हैं, कलमे वगैरह पढ़े हैं, तस्बीह वगैरह पढ़े हैं, जो कुछ भी पढ़े हैं, इस पर तू अपने शान के मुताबिक अजर अता फरमा। इसका सवाब सबसे पहले हम हुजूर की बारगाह में हदिया पेश करते हैं, कबूल फरमा ले। हुजूर के बाद तमाम अंबिया की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा ले। अंबिया के बाद तमाम सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन और तमाम अहले बैत इकराम, तमाम शहदाए इस्लाम मुहर्रम में फातिहा कर रहे हैं, तो शहीदाने करबला और जुमला अहले बैत इकराम की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। सरकार गौसे पाक की बारगाह में सरकार गरीब नवाज, सरकार आला हजरत, सरकार बाबा ताज, मखदूम माहिमी, जितने भी औलिया इकराम के नाम आपको याद हों उनके नाम का जिक्र करें और आखिर में कहें, अल्लाह तमाम मोमिनीन के बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा ले। खासकर हमारे घर के जितने भी मरहूमीन हैं उनकी बारगाह में पेश कर मौला कबूल फरमा ले और हमारे मरहूमीन की बख्शिश और मगफिरत फरमा दे। शहदाए करबला के फैजान से हम सबको मालामाल फरमा और शहदाए करबला के सदके से हमारे घरों की आफतों, बलियात, मुसीबत, परेशानी से दूर फरमा। रिस्क में बरकत अता फरमा, कारोबार में बरकत अता फरमा और हमारे बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा, हमारे घर वालों को, वालिदैन को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। के बाद जो भी जायज दुआ करना चाहें वो करें, यही फातिहा का तरीका है और यही इसाले सवाब है। गुजारिश है इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें।